तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे फूड पॉइंट चैनल में तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही खस्ता समोसा और इसकी फीलिंग्स भी एकदम से डिफरेंट तरीके से बताऊंगा आज आप लोगों को और सभी कहते हैं कि समोसा भरना बहुत मुश्किल होता है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए समोसा भरना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है देर किस बात की चलिए वीडियो को करते हैं शुरू ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा और इसमें डाल दिया है मैंने मोन मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है इसमें आप इसमें डालडा भी डाल सकते हैं या आप इसमें थोड़ा सा रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन डालडा या देसी घी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा समोसा पूरा खस्ता हो सके तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका मैदा गूँध दिया है इसका मैदा ना गीला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए तो ये देखिए इसको मैंने पंद्रह से बीस मिनट के लिए इसको यहाँ पर दे दिया रेस्ट तो चलते हैं इसके तड़के की ओर ये यह मैंने एक यहाँ पे कढ़ाई ले ली है इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है तेल और इसका जो मेन फ्लेवर है जिससे इसका मेन स्वाद आता है वो है दोस्तों हींग तो यहाँ पे मैंने हींग ऐड कर दिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है जीरा तो ये यह देखिए यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक भी इसमें ऐड कर दिया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर जीरा पाउडर और इसमें ऐड कर देंगे गर्म मसाला ये देखिए इसमें हमें हल्दी या लाल मिर्च कुछ नहीं डालना है तो इसमें ऐड कर दिया मैंने बारीक कटा हुआ धनिया की धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें इसलिए मैंने इसको तड़के में ही थोड़ी देर भून लिया है तो ये यहाँ पे मैंने आलू बारीक बारीक कट दिए हैं और ये आलू मैंने इसमें मसाले में ऐड कर दिए हैं अब इसको भी हम थोड़ी देर तक अच्छे से भूनेंगे इसको ताकि आलू का कच्चापन टेस्ट इसमें ना आए तो ऐड कर दिया इसमें मैंने एक स्वाद अनुसार नमक मेरा डो है समोसे का ये देखिए एकदम से सेट हो गए फिट हो गया और इस तरह से हम इसको लंबा लंबा करेंगे ये देखिए और इस तरह से हम एक चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे पेड़े करेंगे इसको आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं छोटे भी बना सकते हैं कोकटल समोसे भी बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ छोटे कोकटल समोसे तो ये देखिए इस तरह से पेड़े को मैंने बेल दिया है थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगा के ये देखिए इस तरह से लंबा बेले इसको और इसको बीच से बराबर से इसको काट दें ये देखिए ये हमारे यहाँ पे दो समोसे का पत्ता बनकर तैयार है तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने हाथ में एक पत्ता ले लिया है और इसके हम चारों कोनों पे अच्छे से पानी लगा देंगे तो दो उंगलियाँ बीच में डालें और राइट हैंड से इसको इस तरह से पत्ते को जोड़ दें और अब इसके अंदर हम भरेंगे ये आलू की फीलिंग्स ये देखिए आप आलू में मटर भी ऐड कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसको मोड़ सकते हैं ये देखिए राइट वाली उंगली से मैंने इसको दबाया है और लेफ्ट वाली उंगली से मैंने इसको मिलाया है ये देखिए इस तरह से हमारा समोसा बनकर तैयार है आप देख सकते हैं कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समोसा भरना मुश्किल नहीं लगेगा ये देखिए इस तरह से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इस तरह से और इसको हमें अच्छे से प्रेस करना ताकि फ्राइड करते समय हमारा समोसे यहाँ पे खुले ना तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे समोसे भर के रख दिए हैं और मैंने तेल यहाँ पे गरम कर दिया है और अब हम इनको कर देंगे फ्राई और एक बात ध्यान रखना दोस्तों तेल हमारा ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए बिल्कुल मीडियम होना चाहिए ताकि हमारा समोसा ना जले और ना ही हमारा फटे और अगर हमारा तेल यहाँ पे मीडियम रहेगा तो समोसे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जितना हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये यहाँ पर क्रिस्पी हो जाएगा ये देखिए इस तरह से आप इसको कम से कम पाँच से सात मिनट तक अच्छे से फ़्राई कर लें ताकि ये समोसा अच्छा खस्ता बने तो ये देखें यहाँ पे हमारे समोसे बनकर बिल्कुल तैयार है अगर आप इसे और ब्राउन करना चाहते हैं तो थोड़ी देर आप इसे और और अच्छे से फ़्राई कर दें तो यहाँ पे हमारे समोसे बनकर बिल्कुल से तैयार है तो सर्दियों का मौसम है गर्म गर्म चीज़ खाने का मन करता है तो ये गर्मा गर्म समोसे यहाँ पर बनकर तैयार है और इसकी जो सबसे मेन चीज़ है वो है चटनी समोसे की चटनी तो समोसे की चटनी के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा वो मैं अपनी वीडियो अभी डालने वाला हूं तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और उस चटनी के बिना ये समोसा बिल्कुल अधूरा है तो आप वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें